Let us start with the session. Let us start with the session. Factories Act 1948. Factories Act 1948. मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ना, किसके लिए आया है? किसको रेगुलेट करने के लिए, किसके सेफ्टी के लिए, किसके हेल्थ कंसर्न के लिए, किसके वेलफेयर कंसर्न के लिए? लेबर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, जो लेबर्स होते हैं ना, जो मुट्ठिया मजदूर होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके ऊपर प्रोटेक्शन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। यानी ये एक्ट पढ़ने के बाद ना आपको पूरा वैसा वाला फील आएगा। कैसा वाला? लेबर वाला। समझ रहे कि लेबर लोग को एक्चुअली क्या क्या प्रोटेक्शन दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में। अब एक चीज बताओ, लास्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था क्या, जितने भी इंप्लॉइज होते हैं वो सारे के सारे लेबर होते हैं क्या? मैंने एक डेफिनेशन बोला था कि वर्कर किसको बोलते हैं, ऑल द इंप्लॉइज आर नॉट द वर्कर। यानी दो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दो चीज बताया था कि नहीं, बोलो। ये रहा देखो, दो चीज बोला था, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में ना एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है। यानी जो जो लेबर होता है, जो वर्कर होता है, वो ना कि खाली काम करता है बताए हुए डायरेक्शन में एम्प्लॉयर के, बल्कि जो एम्प्लॉयर है ना वो उसका एक एक मूवमेंट, एक एक काम को सुपरवाइज करता है। समझ में आ रहा है? तो यानी द एम्प्लॉय इज एक्चुअली नॉट ओनली एग्जीक्यूटिंग द टास्क बीइंग एंट्रस्टेड ऑन हिम, बट ही इज ऑल्सो गेटिंग द डायरेक्शन एंड इज बीइंग सुपरवाइज इन ईच एंड एवरी मोमेंट बाई द कंपनीज एम्प्लॉयर। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जहां पे पूरे के पूरे एम्प्लॉय के यानी लेबर के काम को मॉनिटर किया जा रहा है, एम्प्लॉयर कंटिन्यूअसली उसको सुपरवाइज कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्लियर है? फिर हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या हुआ? जैसे अब मान लो मैंने बोला था ऑडिटर, हमारी कंपनी को ऑडिटर, अब उसको मैं अचानक से बोलूंगी ऑडिटर आ जाना, फ्री है क्या, मेरा भी लेक्चर नहीं है, आ जाना, कुछ मीटिंग करना है, डिस्कशन करना है। अरे भाई, उसको और भी तो क्लाइंट्स है, हो सकता है कोई और क्लाइंट ऑफिस में। तो उसने मुझे वो बोला कि अरे शाम को मिलते हैं ना, राइट नाउ आई एम बिजी, ठीक है, आई एम सिटिंग इन द आईटी ट्राइब्यूनल, मैं कुछ क्लाइंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बोला नहीं छोड़ो ना वो सब, अभी आओ तुरंत, बोल दिया ना बोल दिया। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, समझ में आ रहा है? ही इज अ प्रोफेशनल, ऐसे मैं जैसे जैसे उसको बोलूंगी वो वैसे नहीं कर सकता, बोला था ना मैंने आपको। फिर इनफैक्ट ये भी बोला था कि प्रतीक ने वे सर आपको अभी टैक्स पढ़ा रहे, बोला था ना। फिर मैंने बोला नहीं सर, ये वाला चैप्टर मत पढ़ाइए, मेरे को ये चैप्टर अच्छा लगता है, बच्चों को ये पढ़ाइए। अरे भाई, वो बोलेंगे क्या कि आपने मैम बोल दिया पढ़ाना है, अब क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बीच बीच में ना आकर खोचा मत करिए। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो दोनों का डिफरेंस क्लियर है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में इंप्लॉई क्या इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है क्या, और नहीं तो क्या? क्लियर है ना यहां तक? तो यानी ये चीज क्लियर है कि नहीं? बहुत बार ना ये वाला स्टेटमेंट आया हुआ है, द एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन क्या, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, ऑल इंप्लॉइज आर नॉट वर्कर, कमेंट करो इसके ऊपर। तो आपको ये दो चीजों के बारे में लिख कर आना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। व्हाई दिस एक्ट वॉज पास्ड, क्या ऑब्जेक्टिव था? तीन चीजों के लिए। क्या करना? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स बताओ? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। वापस से बोलो, क्या क्या तीन चीज बोला? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। तीन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। एक तो इंश्योर करना है कि जो वर्कर्स फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं ना, उनका हेल्थ कंडीशन सही सलामत मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, कौन? ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ओनर ऑफ द फैक्ट्री। सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह इंश्योर किया जा रहा है कि नहीं, और वर्कर के वेलफेयर के लिए आपने क्या क्या किया? तो तीन चीज वापस से बोलो, क्या क्या है? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हेल्थ क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है। याद है लास्ट क्लास मैंने आपको एक हिंट दे दिया था, हेल्थ का मतलब हम लोग हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं, समझ में आ रहा है? बोला था साफ सफाई करना है, साफ सुथरा रखना है। ऑब्वियस बात है, अगर अनहाइजीनिक सिचुएशन कंडीशन रहेगा तो बीमारियां ज्यादा आती है ना। तो बोले बाहर का भी क्या स्वच्छ भारत अभियान करना है और अपने अंदर का भी स्वच्छ भारत अभियान करना है। समझ आ रहा है? डिटेल में भी कुछ देर बाद आपको डिस्कस करवाएंगे। क्लियर है? तो अभी मेरे को एक चीज और बताओ कि यहां पे हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, किया था ना, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो वापस से मुझे बताओ, फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, फैक्ट्री कब होगा, फैक्ट्री किसको मानेंगे? जब देयर मस्ट बी अ क्या, प्रिमाइस। वेरी गुड, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था, एक प्रिमाइस होना जरूरी है। और ये प्रिमाइस में ना कुछ भी करने से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला था, देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ भी करने से फैक्ट्री नहीं होता है, क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स भी होना जरूरी है क्या? हाँ, विथ पावर में वर्कर्स कम, मिनिमम कितना है 10, और विदाउट पावर मतलब क्या, मैनुअली कर रहे हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड वॉज 20।
तो 10 और 20 का क्राइटेरिया आपको याद रहेगा क्या? वापस से मेरे को बताओ, क्या बोला? प्रिमाइस होना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स होना जरूरी है, विथ पावर में 10, विदाउट पावर में 20, याद है ये सब? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। लेकिन फिर मैंने बोला था कि कुछ कुछ जो है ना फैक्ट्रीज के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। जैसे याद है मैंने बोला था रेलवेज का जो रनिंग शेड होता है, रनिंग शेड क्या होता है याद है ना, जो अलग से रेलवे स्टेशन में पीछे में एक जगह होता है जहां पे लोग रिसाइड करते हैं, लोकल वर्क रिपेयर सर्विसेज ऑफ द रेलवे के लिए। फिर माइंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या जो सेनापति लोग होते हैं, जो सेना हमारे आर्मी समझ मारे, यंग यूथ आर्मी जो क्या है ना एक जगह से दूसरी जगह मंडराते रहते हैं, क्यों? मे बी कोई फ्लड प्रोन एरिया में गए, या फिर कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया में गए, कोई डिजास्टर जोन में गए, लोगों को क्या करने के लिए बताओ, ठीक करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। तो क्या उनको लेबर मान लोगे, वर्कर मान लोगे, वर्किंग इन द फैक्ट्री? समझ में आ रहा है? तो मोबाइल क्या यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट कवर्ड हियर, ठीक है? और क्या बोला था, होटल्स, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, क्लियर है? यानी वेटर्स वगैरह को लेबर बोलेंगे क्या? रेस्टोरेंट फैक्ट्री हो गया क्या? आज आप रेस्टोरेंट में जहां खाना खाने जा रहे हो, फैक्ट्री में खाना खाने जा रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या फैक्ट्री में कवर्ड है कि नहीं है? नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन किया था। मैम आप इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? अरे पढ़ा नहीं रहे, रिविजन करवा रहे। लास्ट क्लास पूरा आपको इतनी बार पढ़ाया लिखवाया, अभी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मेरे को बताओ ना सेक्शन क्या है? टू, सेक्शन टू क्लॉज के। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में याद है बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किया था, पूछे एक एक करके, बोलो पीलिंग ऑफ प्रॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? श्योर। लैटेक्स से रबर बनाना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद बीटल लीव्स को सन ड्राई करना, सन बात करना, क्या बनाने के लिए? सिगरेट बनाने के लिए। तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? वेरी गुड। फिर उसके बाद बीड़ी वगैरह बनाना, बीड़ी जलाना नहीं, बीड़ी बनाना, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? हाँ, याद है क्या ये सब? सोप इंडस्ट्री, सोप वगैरह बनाना, साबुन बनाना, हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। ऑर्नामेंटिंग करना, आर्टिकल बनाना, वो तो है ही, आर्टिकल को रिपेयर करना, ऑल्टर करना, या फिर मेरे को बताओ ना प्रिंटिंग करना क्या? हाँ, अरे पीस था ना, पीस, प्रिंटिंग वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पंपिंग ऑफ ऑयल, पंपिंग ऑफ ऑयल, रिलायंस ONGC बताया था ना, पंपिंग ऑफ ऑयल, पंपिंग ऑफ वॉटर, पंपिंग ऑफ सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? पी से पावर जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? याद है क्या ये सब? ठीक है, फिर एक बात बताओ ना, कोल्ड वेयर हाउस बोला था ना, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, प्रिजर्विंग करना आर्टिकल को, तो वो भी क्या है क्या? शिप्स बनाना, वेसल बनाना, क्या वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? हाँ। मॉइस्टनिंग ऑफ टोबैको लीव्स, ठीक है, सब कर लिया क्या? अच्छा, ओल्ड गनी बैग्स बनाना, वो भी है क्या? नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बताया था लास्ट क्लास मैंने। मैं जो आपको एजुकेशन इंपार्ट कर रही हूं, आपको ट्रेन कर रही हूं, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, फिर उसके बाद जो फिल्म का प्रोडक्शन होता है, पिक्चर वगैरह बनता है, न्यूज, न्यूज रीडिंग, न्यूज रीडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? नहीं, देख लो, दीज आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। न्यूज, इम्पार्ट ट्रेनिंग, पिक्चर, ये लिखवा दिया था क्या लास्ट क्लास? ठीक, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने यहां तक कवर किया था, सो आई होप यू रिमेंबर ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए। फिर ये भी बोला था कि ये एक्ट को कितने शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, 3 शेड्यूल, एंड हाउ मेनी सेक्शन? सुपर, 120 सेक्शन, सुपर, माइंड ब्लोइंग। फिर फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशनड है, लिस्ट ऑफ क्या? हैजार्डस इंडस्ट्रीज। नंबर टू, शेड्यूल टू में क्या बोला था? हाँ, परमिसेबल लिमिट ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन द वर्क एनवायरनमेंट, वेरी गुड। और लास्ट वाला शेड्यूल थ्री के अंदर क्या बोला था? नोटिफाइबल डिजीजेस, उसका लिस्ट मेंटेन्ड है क्या, मेंशनड है क्या? हाँ। यहां तक पूरा क्लियर है? ये हो गया रिविजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ कुछ डेफिनेशन मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगी, फटाफट आप उसको देखोगे क्या क्या डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, अभी हम लोग लेक्चर को एंजॉय करेंगे, लिखने का काम छोड़ दो, लिखने का काम हम लोग बाद में करेंगे। कुछ भी लिखोगे क्या अभी? नहीं। सबसे पहला मेरे को बताओ, चलो मेरे को बताओ, आपके हिसाब से चाइल्ड किसको बोलते हैं? हु इज अ चाइल्ड? बोलो मैम, हम लोग ही तो चाइल्ड है आपके। हु इज अ चाइल्ड? हाँ, 5-6 साल का बच्चा बोल रहा है, बच्चा चाइल्ड है, यानी तुम्हारे हिसाब से 6 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है? ये 5-6 साल का डेफिनेशन कौन दिया भाई? 14 साल बोल रहे हो ना, कहां पे पढ़ा 14 साल? 14 साल कहां पे पढ़ा?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा, तो जो जहां पढ़ा हर जगह वही चिपका दोगे क्या? नहीं चलेगा। फैक्ट्रीज एक्ट में चाइल्ड का डेफिनेशन अलग से दिया हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट में चाइल्ड का डेफिनेशन अलग से दिया हुआ है, पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स, यहां 14 नहीं है, क्या है बताओ, 15 इयर्स, यानी बच्चा कौन है जो 15 साल का उम्र कंप्लीट किया है कि नहीं किया है? नहीं। तो सबसे पहला डेफिनेशन मैंने आपको किसका दिया बताओ, चाइल्ड का। चाइल्ड कौन है बोलो ना, चाइल्ड कौन है जिसका उम्र, जिसका एज क्या है, नॉट कंप्लीटेड क्या, 15 साल का हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। Who has not completed the age of the 15 years is a child. Who has not completed the age of 15 years is a child. क्या आपने 15 years complete कर लिया है क्या? क्या आप child हो क्या? नहीं। ठीक है, फिर अब ध्यान से सुनना, आपके हिसाब से adult कौन होता है? Adult, बहुत सारा movies भी देखते हो लिखा रहता है ना adult 18 plus, समझ में आ रहा है? यानी एक ऐसा person who has क्या completed the age of 18 years, तो adult कौन हो गया 18 के ऊपर वाला, adult कौन हो गया 18 plus, who has completed the age of 18 years. He is an adult. एक और टर्म है adolescent. क्या टर्म है बताओ? Adolescent. Adolescent lies between the child and the adult. A person who is above 15 years age but has not completed 18 years. He is called as an adolescent. He or she is called as an what? Adolescent. तो adolescent मैंने क्या बोला? जो 15 साल से क्या है? ज्यादा है. 15 साल का उम्र उसने कंप्लीट कर लिया है बट हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ क्या 18 इयर्स, हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ क्या 18 इयर्स, क्योंकि द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स वो तो क्या बन जाएगा, एडल्ट। कोई डाउट है क्या यहां तक? वापस से बोलो, तीन चीज पढ़ाया, एडल्ट पढ़ाया, एडोलेसेंट पढ़ाया, चाइल्ड पढ़ाया, तो आप क्या अपने आपको एडोलेसेंट समझ रहे हो क्या? एडोलेसेंट समझ रहे हो क्या? आप एडोलेसेंट हो क्या? आप कौन हो? एडल्ट। क्या आप लोगों ने 18 साल का उम्र कंप्लीट कर लिया है? और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? समझ में आ रहा है कि आपने 18 साल का उम्र कंप्लीट कर लिया? हाँ, बताओ बच्चा कौन है, चाइल्ड कौन है? ये 5-6 साल कहां से है तेरा? 5-6 साल थोड़ी होता है, 7 साल का बच्चा बच्चा नहीं, बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया। बताओ चाइल्ड मतलब क्या हुआ? 14 की 15 साल पन। समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? चाइल्ड किसको यहां पे बोल रहे? हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स। एडोलेसेंट इज अ पर्सन हु हैज क्या कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स बट नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। एंड एडल्ट इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन लोग ना बड़ा से छोटा जा रहे, सेक्शन का नंबरिंग किया, ध्यान से सुनना, बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा कौन है बताओ? अरे एडल्ट है ना, इसका सेक्शन है, इसका जो डेफिनेशन है ये कहां पे दिया गया है? एक्ट के अंदर ही दिया गया है। किस सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज ए। समझ में आ रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज है, किसका डेफिनेशन दिया गया? एडल्ट। इसके बाद कौन है? एडोलेसेंट। तो बताओ अपने आप सेक्शन 2B, फिर चाइल्ड का बता दो 2C, हो गया, याद रहेगा 2A 2B 2C। गलत सेक्शन मत लिखना, एग्जाम में नहीं आएगा, चलेगा एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट, बट गलत सेक्शन मत लिख कर आ जाना, याद होगा तो अच्छा है। अरे यार ए फॉर एडल्ट। समझ में आ रहा है? सी फॉर चाइल्ड, बी मतलब बीच का, एडोलेसेंट और चाइल्ड और एडल्ट के बीच का, याद रहेगा क्या? कैसे भी, ठीक है। अब आपके एक्ट में ना यंग का डेफिनेशन दिया हुआ है। यंग किसको बोलते हैं? एनी पर्सन हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट। एनी पर्सन हु इज आइदर अ यंग बोला गया, यानी अपने आपको तुम लोग यंग समझ रहे हैं? नहीं है तुम लोग यंग, तुम लोग यंग है। अभी तो मैंने बोला यंग का मतलब क्या, या तो क्या चाइल्ड या फिर क्या बोला एडोलेसेंट, चाइल्ड बोला या क्या बोला एडोलेसेंट। तो तुम लोग अपने आपको किस एंगल से यंग समझ रहे हैं? तुम्हारा उम्र क्या 18 के ऊपर का नहीं है क्या? तो तुम लोग यंग है क्या? अरे मैंने ये थोड़ी बोला कि तुम बुढ़े हो, तुम इतना ऐसे मायूस क्यों जा रहे हो? क्या मैंने आपको बोला क्या कि आप ओल्ड हो गए हो? अरे यंग का डेफिनेशन यही है, यंग का मतलब हो रहा है इधर चाइल्ड और एडोलेसेंट, इधर चाइल्ड और एडोलेसेंट। इसका सेक्शन बताओगे? सी के बाद क्या आता है? तो डी होगा। सी के बाद क्या आता है? डी आता है, तो डी होगा। समझ में? सो यंग पर्सन कौन हो सकता है? एक चाइल्ड या फिर एक एडोलेसेंट। यंग पर्सन कैन बी अ चाइल्ड और कैन बी अ एडोलेसेंट। चार डेफिनेशन मैंने आपको लर्न करवाया, लर्न हुआ क्या? फटाफट बोलो, सबसे पहले क्या लर्न करवाया? चाइल्ड। चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स। फिर क्या बोला? एडोलेसेंट। एडोलेसेंट इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स बट हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। एडल्ट इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। A फॉर एडल्ट 2A, ठीक है, B फॉर बीच का एडोलेसेंट 2B, C फॉर चाइल्ड बच्चा 2C, और फिर उसके बाद यंग कौन हो गया? इधर आ
चाइल्ड और एडोलेसेंट उसको क्या बोलते हैं, यंग, जो कि किस सेक्शन में कवर्ड है, 2D। याद रहेगा क्या ये सब? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, एक डेफिनेशन ऐसा पढ़ा रहे हैं ना जो ऑलरेडी आपको लर्न है। याद है मैंने आपको कहीं पे ये वाला टर्म यूज करने को बोला था, हैजर्डस प्रोसेस। हैजर्डस प्रोसेस हमने कहीं हैजर्डस इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। हैजर्डस प्रोसेस मतलब क्या? हैजार्ड। ये अच्छा है आपके लिए, ये वर्कर्स के लिए अच्छा है कि खराब है? सो कैन आई से हैजर्डस प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच इज कॉजिंग इंजुरी टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, व्हिच इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, एंड जिसका लिस्ट कहां पे मेंशन्ड किया गया है, सुपर शेड्यूल वन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। शेड्यूल वन में था ना लिस्ट ऑफ द हैजर्डस इंडस्ट्री, क्लियर है? तो वापस से बताओ, हैजर्डस प्रोसेस क्या? हैजर्डस प्रोसेस आर द प्रोसेसेस हुज क्या लिस्ट इज बीइंग मेंशन्ड वेयर इन द शेड्यूल वन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, एंड इट इज कॉजिंग क्या? इंजुरी टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, जो कि वर्कर्स की हेल्थ को क्या कॉज करे? इंजुरी। सो इट इज इंजूरियस टू द क्या? हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। इट इज इंजूरियस क्या? टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, और जिसका लिस्ट कहां पे मेंशन है बताओ? फर्स्ट शेड्यूल। कहां पे मेंशन है बताओ? फर्स्ट शेड्यूल। याद रहेगा क्या ऐसा बताओ? कितना सारा डेफिनेशन कर लिया, 5 डेफिनेशन लर्न करवा दिया, संभाल लोगे क्या? क्या मैम डेफिनेशन पूछता है क्या एग्जाम में? और नहीं तो क्या? और आपको समझ में आ रहा है एमसीक्यू वगैरह आएगा, ये कितना छोटा छोटा एक लाइनर डेफिनेशन है, तो देखकर पूछ सकते हैं ना कि एडल्ट बताओ कौन से एज में होता है, एडोलेसेंट, यंग। तुम लोग बोलेगा अरे यंग तो हम ही लोग है, हम ही लोग का एज होगा, एडल्ट को यंग बना देते, बल्कि वो गलत है। यंग का मतलब क्या है? चाइल्ड एडोलेसेंट, छोटा बच्चा, बीच वाला बच्चा, बड़का बच्चा हो गए तुम लोग, समझ में आ रहा है? जो कि यंग के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आए। आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? पूरा क्लियर है यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर। चलो अब ना एक टर्म है जिसको बोला गया ऑक्यूपायर। क्या बोला गया है? ऑक्यूपायर। हु इज एन ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री? ऑक्यूपायर किसको बोलते हैं बताओ? हु इज ऑक्यूपायर? फैक्ट्री का ओनर मतलब ही तो ऑक्यूपायर हुआ। यानी ऑक्यूपायर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, हु इज इंटरेस्टेड क्या विद द कंट्रोलिंग पावर टू कंट्रोल द ओवरऑल क्या अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जिसके पास पावर है क्या चीज कंट्रोल करने का बताओ ना? ओवरऑल अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। हु इज इंटरेस्टेड विद द पावर ऑफ क्या? पावर टू कंट्रोल। पावर टू कंट्रोल क्या? द ओवरऑल अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपायर। समझ गए? नाम से ही समझ पा रहे ना, फैक्ट्री का ऑक्यूपायर मतलब एक बहुत ही बड़ा क्या है, डेजिग्नेशन। यानी ये फैक्ट्री का एक तरह से ओनर है, जो फैक्ट्री में जितने भी अफेयर्स हो रहे ना, अरे वो वाला अफेयर नहीं जो तुम करते हैं डेली, अरे उम्र है करने का, कोई बात नहीं करो ना, पासिंग अफेयर तुम्हारा, कितने जन के संग अफेयर किया अभी तक? बोलो मैम पता ही नहीं, काउंट ही नहीं है, डेली बदलते रहता है। कितने जन के संग अफेयर किया तुम? 3 जन। बोले इतना किए ना मैम याद ही नहीं है, इतना किए ना कि याद ही नहीं है। तुम कितने जन के संग अफेयर की हो? झूठी बोलती, एक भी जन के संग नहीं किए। बहुत क्या बॉयज ठीक है, ए तुम ईटी भी तो यही पढ़ा था, तो खाली बॉयज ही थे क्या? चलो बताओ। अरे शर्माना क्या है, दिव्या मैम ही तो अपनी है तुम्हारी, कहीं जाके मैं बता थोड़ी रही हूँ किसी को, ठीक है? तो आपको समझ में, छोड़ो अभी यहाँ पे हम लोग वो वाला अफेयर का बात नहीं कर रहे। इमेजिन करो फैक्ट्री में लेबर लोग अफेयर कर रहा है तो क्या हालत होगा फैक्ट्री का, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग किस अफेयर का बात करें? काम का, डे टू डे काम का। तो डे टू डे जो अफेयर्स होते हैं ना फैक्ट्री का, उसको जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसको जो सुपरवाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन ऑक्यूपायर। हु हैज अ पावर टू कंट्रोल द ओवरऑल अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ही इज कॉल्ड एज एन ऑक्यूपायर। क्लियर है? अब एक बात बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या है एक बताओ? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो है ना, पार्टनरशिप फर्म का एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कौन होगा? गेस करो कौन होगा बताओ? पार्टनर ही तो होगा। तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको ऑक्यूपायर कौन होगा? पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसको ऑक्यूपायर कौन होगा? पार्टनर। हु विल बी द ऑक्यूपायर? एनी ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उसमें से कोई भी एक पार्टनर क्या बन जाएगा? ऑक्यूपायर। अगर कंपनी है कौन होगा बताओ? ऑक्यूपायर कौन होगा? डायरेक्टर। शेयर होल्डर कभी दिमाग लगाता है क्या? शेयर होल्डर तो ओनर है ना, डे टू डे मैनेजमेंट वगैरह कौन करता है? डायरेक्टर्स। समझ मारे? तो मेरे को बताओ कंपनी में ऑक्यूपायर कौन होगा? डायरेक्टर। कंपनी में ऑक्यूपायर कौन होगा? डायरेक्टर। मान लो एक ऐसा फैक्ट्री है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ऐसा फैक्ट्री है विच इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तब उसमें ऑक्यूपायर किसको बोलेंगे? एनी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट
to manage the affairs of that factory. So the person who has been duly authorized by the central government or the state government. तो अगर फैक्ट्री कैसा है बताओ, फैक्ट्री जो कि किसके कंट्रोल में, अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या है, गवर्नमेंट. सो इन दैट केस पर्सन क्या होगा, ड्यूली अपॉइंटेड बाय द क्या, गवर्नमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री विल बी ट्रीटेड एज एन ऑक्यूपायर, विल बी ट्रीटेड एज एन ऑक्यूपायर. क्लियर है? फहीम क्या बोल रहा है, मेरा पेपर है EISSM का, मुझे बहुत डर लग रहा है. क्या करे बाबा, डरने का कुछ नहीं है. ठीक है, मैंने आपको बोला पेपर मक्खन जाएगा. कितनी बार रिविजन करवा दिया, मैराथन करवा दिया, बूस्टर करवा दिया, MCQ करवा दिया, समझ में आ रहा है? फिर बोल रहे प्लीज टॉक टू मी. अरे टेंशन मत लो, ठीक है, अच्छा जाएगा, जबरदस्त जाएगा, ऑल द वेरी बेस्ट. चलो बैक टू आवर स्टडीज. क्लियर है? यहाँ पे बताओ मैंने क्या बोला अभी, किसका डेफिनेशन बोला, ऑक्यूपायर. आज एग्जाम्स है ना, पता होगा आपको. ठीक है, ठीक है, चलो बताओ ऑक्यूपायर कौन है, मेरे को बताओ हु इज एन ऑक्यूपायर. ऑक्यूपायर कौन है फटाफट बताओ, ऑक्यूपायर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ओवरऑल अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. जिसका पावर है कि वो क्या कर रहा है, फैक्ट्री के अफेयर्स को सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कौन हो गया, पार्टनर, ही इज ट्रीटेड एज अ ऑक्यूपायर. अगर कंपनी है तो डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज अ ऑक्यूपायर. और अगर फैक्ट्री क्या है मेरे को बताओ, किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के अंदर, वो गवर्नमेंट ओन्ड फैक्ट्री है, द फैक्ट्री इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, देन इन दैट केस ऑक्यूपायर विल बी द पर्सन हु हैज बीन ड्यूली ऑथोराइज्ड, हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू क्या, लुक एट द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. तो अब ये सब 3 मार्क्स का आ सकता है कि नहीं बताओ, ऑक्यूपायर का डेफिनेशन हो गया. तो कितना सारा डेफिनेशन किया, सारे डेफिनेशन आपको याद है क्या, एक बार हम लोग रिपीट करें क्या, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, आप बताते जाना. ठीक है, इनफैक्ट जो बच्चे लाइव फ्रॉम होम है और यूट्यूब वाले बच्चे है ना, प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई, बोलो मुंह से आंसर्स बोलो. अब बोल तो सकोगे नहीं, लिख कर दिखाओ चैट बॉक्स में. ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताओ 2A में क्या पढ़ा, फटाफट बोलो. 2A एडल्ट, एडल्ट कौन है, हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ, who has completed the age of 18 years. ठीक है, who has completed the age of 18 years. Next बताओ 2B कौन है, adolescent. Adolescent कौन है, जिसने क्या किया है, 15 साल complete कर लिया है लेकिन 18 साल complete नहीं किया. बच्चा कौन है, बच्चा, बच्चा मतलब क्या, child. Child का section बताओ 2C, बताओ क्या होगा, who has not completed the age of 15 years. वेरी गुड. फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया बताओ, यंग, यंग कौन है, सेक्शन बताओ 2D, यंग कौन है, चाइल्ड और एडोलेसेंट. फिर उसके बाद क्या बोला, ऑक्यूपायर, नहीं उसके पहले और एक चीज बोला, हैजर्डस प्रोसेस किसके अंदर मेंशनड है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. और उसके अंदर कौन से प्रोसेस है मेरे को बताओ, विच इज इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर. क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बच गया बताओ, ऑक्यूपायर. ऑक्यूपायर का डेफिनेशन बताओ, हु हैज अ पावर टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. फर्म के केस में पार्टनर, कंपनी के केस में डायरेक्टर, और फिर उसके बाद फैक्ट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के केस में पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड और अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. कोई डाउट है क्या, फटाफट लिख लो वेरी क्विकली, टेक आउट योर कॉपी एंड राइट डाउन. लिखो जिनका, हाँ जिनका ना ऑलरेडी पहला क्लास नहीं किया हुआ है, 3-4 पेज छोड़ देना, क्योंकि पहला क्लास का नोट्स भी लिखोगे ना, फटाफट लिखो इसको. इसी तरह से चार्ट बना के लिखोगे, वेरी क्विकली राइट डाउन विद दिस चार्ट. अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया, पहले चाइल्ड है क्योंकि हम लोग छोटा से बड़ा उम्र में जा रहे हैं, लेकिन सेक्शन वाइज अगर आप जाओ तो उल्टा है. 2A में क्या एडल्ट, बी में क्या एडोलेसेंट, चाइल्ड में सी. पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स. फटाफट लिख लीजिए इसको, चाइल्ड 2C, person who has not completed the age of 15 years. और adolescent 2B, greater than 15 years, but क्या बोला था, less than 18 years. अब exam में आप ऐसे लिखोगे क्या, greater than का sign, less than का sign,
यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट? अपने आप लिख लेना. एडल्ट लिख लिया, हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ क्या, 18 इयर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इयर्स, है ना? शॉर्ट में लिखना चाहो तो. जिन लोग का ये हो गया, और एक चार्ट बनाओ, तीन डेफिनेशन और लिखना है ना, वापस एक तो चार्ट बनाओ. यंग लिखना है, हैजर्डस प्रोसेस और ऑक्यूपायर. हो गया पहला चार्ट एवरीवन. अब वापस से ना चार्ट में ही तीन तो एरो टानोगे और तीन डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है? ऐसे ऐसे मत लिखो, चार्ट फॉर्मेट में लिखो, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यंग में क्या लिखोगे, 2D आइदर अ चाइल्ड और क्या बोला था, एडोलेसेंट. यंग किसको बोलता है, आइदर अ चाइल्ड और अ एडोलेसेंट. ऐसे मत लिखो, चार्ट फॉर्मेट में लिखो, जैसे अभी लिखा था, अभी चार्ट बनाया था ना, वैसे ही. आइदर चाइल्ड और एडोलेसेंट. और हैजर्डस प्रोसेस देखो, 2CB है. सीबी क्या, मेरे को बताओ सीबी. देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने सारे सेक्शन याद करना इम्पॉसिबल है. मैंने लिखवा दिया है, याद हो तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ देना. ABCD तो मेरे को पता, याद हो जाएगा, बाकी जो है थोड़ा डिफिकल्ट है. हैजर्डस प्रोसेस 2CB विच कैन कॉज इंजुरी टू द वर्कर एंड द लिस्ट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1. चार्ट फॉर्मेट में लिख रहे हो आई होप. ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है, ये 2CB है. हाँ, समझ में आ रहा है तो क्या लिखा हुआ है. फिर ऑक्यूपायर का डेफिनेशन लिखो फटाफट, 2N द पर्सन हु हैज क्या, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सेकेंड वाला पॉइंट हो गया क्या सबका, हैजर्डस प्रोसेस यू हैव डन. अब क्या लिखोगे, ऑक्यूपायर, द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. फर्म में क्या होगा, पार्टनर्स होगा ना. कंपनी में क्या, डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर. और फैक्ट्री ओन्ड बाई सीजी में क्या बोला, पर्सन अपॉइंटेड बाई सीजी. लिख लो तीनों, फर्म का, कंपनी का, फैक्ट्री का, तीनों का लिख लो. फर्म के अंदर क्या बोला, पार्टनर, मेंबर, डीम टू बी द ऑक्यूपायर. कंपनी में एनी वन ऑफ द डायरेक्टर. अच्छा, यहां मेंबर्स वर्ड क्यों लिखा गया. मान लो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, होता है ना ये सब, या जॉइंट वेंचर है कोई, तो वहां पार्टनर वर्ड थोड़ी बोलोगे. क्या बोलोगे, क्या बोलोगे मेरे को बताओ. कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी मेंबर, डीम टू बी द ऑक्यूपायर. कंपनी में क्या बोला, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स. एंड फैक्ट्री ओन्ड बाई सीजी में क्या बोला, पर्सन अपॉइंटेड बाई द क्या, सीजी टू मैनेज द फैक्ट्री. APPTD मतलब क्या, अपॉइंटेड. एग्जाम में भी यही स्पेलिंग लिख कर आओगे क्या, नहीं. कोई डाउट है क्या यहां तक, बताओ, क्रिस्टल क्लियर? सब कुछ लर्न होते जा रहा है कि नहीं बताओ, क्लास में ही सब कुछ, क्लास में ही लर्न होते जा रहा है. वेरी गुड. पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज क्या, बाय द सीजी. अब सुनो ना, यहां तक हो गया सबका. एनीवन स्टिल राइटिंग, रेज योर हैंड, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप, स्पीड बढ़ाओ, एग्जाम में पेपर छूट जाएगा नहीं तो. क्विकली 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 गाइस, क्विकली, वेरी क्विकली. हो गया,
अच्छा एक बात बताओ, ये जो फैक्ट्री का ओनर है इसका ही तो जिम्मेदारी है ना देखने का कि फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन वगैरह ठीक से कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, इसी का तो जिम्मेदारी है। क्या बोला, ये कौन है जिसको पूरा कंट्रोल है क्या चीज का, अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री? तो आज मान लो कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, सो हु विल बी हेल्ड लायबल, किसको लेकर जाया जाएगा? ओनर को, ओनर को धर लिया जाएगा, ओनर को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब बोल रहे हैं ना सेक्शन 101 में एग्जेम्पशन दे दिया गया है कि ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कब नहीं होगा, ऑक्यूपायर यानी ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कब नहीं होगा, जब उसने बोला है कि हैज एक्सरसाइज हिज ड्यू डिलिजेंस टू एंश्योर दैट द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री इज बीइंग कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जब उसने पूरा क्या एक्सरसाइज किया है, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या, प्रॉपर केयर, प्रॉपर सुपरविजन, सब कुछ प्रॉपरली एक्सरसाइज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना एक्ट का कोई प्रोविजन ब्रीच हो गया है, हैज नॉट बीन फॉलोड, या फिर कोई अगर ऑफेंस हुआ है, समझ में आ रहा है, इफ एनी ऑफ द क्या, इफ एनी ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन हैज बीन कमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट एंड द नॉलेज ऑफ द ओनर और द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर को बोल रहा है कि सारे प्रोविजंस को इंश्योर करना फैक्ट्रीज एक्ट का कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, उसका जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मान लो कॉन्ट्रावेंशन हो गया, कोई ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, सम ऑफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, मान लो लेबर को बुलाए काम करने के लिए, उनको प्रॉपर सैनिटेशन नहीं दिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग नहीं दिए, लाइटनिंग नहीं दिए, पूरा काल कोठरी में बंद कर दिए, बोले काम करो इसमें, उसका आंख जो है ना पूरा चौंधिया गया है काम करते करते, समझ मारे, पंखा वेंटिलेशन कुछ नहीं, उसका दम घुटने लग रहा है, यानी आपने क्या किया, ऑफेंस किया है, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, सेफ्टी वेलफेयर और हेल्थ ऑफ द वर्कर को मेंटेन नहीं किया। लेकिन ना ये सब जो हुआ है ना ऑक्यूपायर के नॉलेज में ही नहीं था, समझ में आ रहा है, एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विदाउट द क्या, नॉलेज एंड द कंसेंट ऑफ द ऑक्यूपायर। कोई एक बदमाश जो ऑक्यूपायर का इंप्लॉय था उसने उसके संग ऐसा हरकत किया जो कि जिसके बारे में किसको नहीं पता था, ऑक्यूपायर को पता था कि नहीं पता था, नहीं, तो क्या इन दैट केस उसको लायबल हेल्ड किया जा सकता है क्या, नहीं। सो देर आर टू केसेस जहां पे ऑक्यूपायर को लायबल हेल्ड नहीं किया जाएगा। व्हाट आर दोस टू केसेस? पहला केस मैंने क्या बोला, बोलो ना, व्हाट वाज द फर्स्ट केस? व्हेन द ऑक्यूपायर हैज एक्सरसाइज प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, एंड नंबर टू व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट द कंसेंट एंड द नॉलेज ऑफ द ऑक्यूपायर, देन दिस विल डिस्चार्ज द ऑक्यूपायर ऑफ हिज लायबिलिटी। किस सेक्शन में बताओ? सेक्शन 101, 101, सुन रहे, 101 का चढ़ावा, शगुन होता है ना 101 का लिफाफा, 101 का रुपया दे दो, 100 रुपया को शगुन नहीं मानते, 101 को शगुन मानते हैं, ठीक है? कितनी बार रिलेटिव्स लोग से लिफाफा लूटा 101 रुपया का, देते हैं ना लोग घर आके, अच्छा आजकल तो बढ़ गया ना, 501 देते कि 101, 5, अमीर लोग है भाई, सब अमीर लोग है, ठीक है? तो देखो क्या बोला है, एग्जेम्पशन ऑफ ऑक्यूपायर और मैनेजर फ्रॉम द लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, ठीक है? क्या बोला पॉइंट नंबर 1, इफ ही हैज यूज्ड ड्यू डिलिजेंस टू एनफोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट, या क्या बोला, व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज एंड कंसेंट। लिख लो फटाफट, कोई डाउट है क्या, लिख लोगे क्या? यानी ऑक्यूपायर का डेफिनेशन किया तो उसी से रिलेटेड था ना कि ऑक्यूपायर को उसके लायबिलिटी से कब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जब नंबर 1 उसने ड्यू डिलिजेंस एग्जिबिट किया है, एंड नंबर 2 जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में उसको ना आता था ना पता था, ठीक है? एग्जेम्पशन ऑफ द ऑक्यूपायर और द मैनेजर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, एग्जेम्पशन ऑफ द ऑक्यूपायर और मैनेजर फ्रॉम द लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 101, नंबर ए, ही हैज यूज्ड ड्यू डिलिजेंस टू एनफोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट, नंबर बी, ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज कॉन्सेंट और नॉलेज, बोलो आर वी थ्रू विद दिस? दो चीज बोला कि अगर ऑक्यूपायर ने अपना पूरा जो है ना होशो आवाज संभाला है, पूरा ड्यू डिलिजेंस को एग्जिबिट किया है, ठीक है? और दूसरा क्या बोला, व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। बताओ क्लियर है कि नहीं? दीक्षा पूछ रही है मैम, ओंड के बाद क्या लिखा है, कहां है ओंड?
सीजी सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो अब मेरे को बताओ ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ क्लोज योर कॉपी, जस्ट चिल, क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर कॉपी। अब हम लोग पूरा एक बार वापस से डिस्कशन करेंगे, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। चलो आप मुझे बताओगे कि एक्ट का ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बताओ व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। बोलो, सबसे पहले टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, तीन चीज था। क्या तीन चीज था? नंबर वन बोला हेल्थ, नंबर टू बोलो सेफ्टी, नंबर थ्री बोलो वेल्थ। किसका? तुम्हारा, तुम लेबर हो क्या, वर्कर हो क्या? किसका? वर्कर्स। कहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं? फैक्ट्री। वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। सो टू प्रोटेक्ट एंड क्या, इंश्योर मेंटेन द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। अब सबसे पहले ना पूरा मतलब लंबा चौड़ा मैं आपको बता रही हूं डिस्कशन होने वाला है हेल्थ के ऊपर। अब हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाएगा वर्कर्स का, इसके ऊपर एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी हुई है अलग अलग सेक्शन में। यानी बेसिकली हेल्थ का अगर आप देखोगे सेक्शन 11 से सेक्शन 19 इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ कंडीशन ऑफ द वर्कर। सेक्शन 11 से कितना, सेक्शन 19 किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेल्थ। खुद तुम सोचो, आप अपने घर में अपने आप को हेल्दी कैसे रखते हो? मम्मी क्या बोलती है, दिन भर क्या बोलती रहती है कि बच्चों साफ सफाई किया करो। आप लोग क्या करते हो, सुबह उठते हो अपना बेड भी नहीं बनाते हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट डज अवर टू मेक माय बेड मींस? जब उठते हो तो उसके बाद अपना चद्दर वद्दर जो ओढ़ के सोते हो अच्छे से समेट के रख देना चाहिए, क्लीननेस करना चाहिए। अपने रूम का डस्टिंग वगैरह करते हो कभी कि गंदा ही पटक के रखते हो? जाला वगैरह लटक रहा है, जाला के संग खेल रहे हो, स्पाइडरमैन हो क्या, स्पाइडरमैन हो क्या, वेब वगैरह बना रहे हो? क्लीननेस किसको पसंद नहीं है बताओ, हाथ उठाओ। सभी को पसंद होगा, करना पसंद नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। हमको अच्छा नहीं लगता साफ सफाई, क्योंकि मम्मी बिगाड़ रखी है, मम्मी कर देती है आपका साफ सफाई। बच्चा पढ़ रहा है, एहसान कर रहा है, कम बात है क्या? पढ़ाई करके आ रहे हो ऐसे लेट जाते हो, पड़ जाते हो बिस्तर में, हमसे नहीं होगा ये सब काम, खुद कर लेना। पढ़ाई लिखाई छोड़ दें क्या, ये सब फालतू काम में लग जाए क्या? ऐसे आपका रिएक्शन होता है ना, महाराजा बन गए हो एकदम सीएस का कोर्स ज्वाइन करके, ठीक। लेकिन क्लीननेस तो चाहिए ना, अगर आप नहीं करते हो तो कोई डोमेस्टिक हेल्पर का जो है हेल्प लेते हो, घर में रख के रखे हो ना सर डोमेस्टिक हेल्पर, दीदी लोग आती है डस्टिंग वगैरह करके चली जाती है, करती है कि नहीं बताओ। तो एक बात बताओ, हेल्थ कब मेंटेन होगा? जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहे हो। मान लो एक ऐसी जगह रह रहे हो एकदम आसपास गंदगी भरा हुआ है, गंदगी नाली बह रहा है, फिर लॉट्स ऑफ यू नो डस्ट पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन फ्लाइंग ऑन, टू मेनी ऑफ इंसेक्ट्स आर रोमिंग ऑल अबाउट, कि आपको लगता है वहां रह सकोगे? तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? क्लीननेस। तो वैसे ही जो लेबर्स होते हैं फैक्ट्री में, उनको भी तो क्लीननेस चाहिए। लेबर तो क्या ये मतलब है कि गंदगी में रहेंगे, उनको भी तो क्लीननेस चाहिए। तो ये किसका जिम्मेदारी है, किसका जिम्मेदारी है? ऑक्यूपायर का जिम्मेदारी है सब चेक करने का कि वर्कर्स का क्लीननेस को क्या मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, जिसके लिए फैक्ट्री को क्या रखना है, साफ सुथरा। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, क्लीनलीनेस। क्या बोला बताओ? क्लीनलीनेस, क्लियर है? सो साफ सफाई रखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। पहला सेक्शन क्या है मेरे को बताओ, सेक्शन 11। तो क्लीननेस क्या हो गया, सेक्शन 11। अब इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया ना क्लीननेस के ऊपर, हिल जाओगे। पूरा साफ सफाई कैसे मेंटेन होगा, मतलब एक एक चीजों को एक्ट में इतना बारीकी से बताया गया है कि लेबर्स लोग को शायद पता ही नहीं होगा कि इतना उनको सुविधा दिया गया है। तो ये आपका जिम्मेदारी है लेबर लोग को बताना, कोई लेबर से मिलो ना तो बताना कि उनको ये सब जो है ना क्या एफर्ट्स उनके फैक्ट्री ओनर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्लीननेस का मतलब बोल रहा है डेली जो है ना, डेली डेली स्वीपिंग होना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए, डस्टिंग होना चाहिए। कहाँ का, आपके घर का क्या, या किसका बात हो रहा है? फैक्ट्री प्रीमाइसेस का डेली क्या होना चाहिए, झाड़ू। पोंछा कितनी बार होगा, हफ्ता में एक बार काफी है, उसको बोलते हैं फ्लोर मॉपिंग। मॉपिंग समझते हो ना, कितनी बार आप भी की होगी यार, कोरोना के टाइम सब की है मॉपिंग वगैरह, समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं, क्लीननेस में जो डस्ट वगैरह झाड़ा पोंछी है ना, वो तो डेली करना होगा भाई। घर में डेली झाड़ू निकलता है क्या? वही सेम चीज, फैक्ट्री में भी डेली झाड़ू निकलेगा। घर में पोंछा होता है क्या, हफ्ता में एक बार हो जाता है काफी है, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही बोल रहे हैं फ्लोर। अब फैक्ट्री का तो प्रीमाइसेस इतना बड़ा होता है ना, पोंछा लगाने में जान चला जाएगा लोगों का। तो बोल रहे जो फ्लोर का मॉपिंग वगैरह है ना, वो कितनी बार होने से हो जाएगा, एक बार मॉपिंग चाहिए, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहे हैं इसके अलावा, सुनो ना, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, कोई लिक्विड आइटम वगैरह बनाया, तो फ्लोर में ना बहुत सारा पानी बिखर गया, तो उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर। नहीं तो कोई भी लेबर आ रहा है, इमेजिन करो ना फैक्ट्री में लेबर लोग काम कर रहे हैं, पानी का पूरा पूल बन गया है, लेबर आया फिसल कर एकदम गिर गया, माथा फूटा, खून निकल गया, खत्म, खेला खत्म। तो ये सब इंश्योर करना कि उनका क्या मेंटेन हो सके हेल्थ, किसका जिम्मेदारी है? फैक्ट्रीज एक्ट का, फैक्ट्रीज एक्ट ने पूरा ध्यान रखा है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोला, बोलो प्रॉपर ड्रेनेज। क्या बोला बताओ? प्रॉपर
ड्रेनेज, क्लीननेस के अंदर मैंने क्या क्या बोला, डस्ट वगैरह डेली होना चाहिए साफ, फिर बोला फ्लोर का मॉपिंग हफ्ता में एक बार कर लो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अब पता है क्या बोल रहा है, वार्निश, वार्निश का मतलब समझते हो, पेंटिंग वगैरह, वार्निशिंग हुआ, पेंटिंग हुआ। क्यों उन लोग पुराना जगह काम करे, खंडर में काम करवा रहे हो, कुछ कुछ फैक्ट्री ऐसे होते हैं ना लग रहा पूरा टूटा फूटा खंडर टाइप का फैक्ट्री है, तो नहीं चलेगा भाई। लेबर लोग को भी ना सुंदर जगह चाहिए, सनमार है एनवायरमेंट, अगर साफ सुथरा सुंदर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा ना, काम करने में मजा नहीं आएगा। तो बोली लगाओ ना, आपको क्या लगता है पेंटिंग वगैरह कितनी बार करवाना चाहिए? साल में एक बार पेंटिंग करवाते हो? हाँ, पैसा तुम दोगे, साल में एक बार पेंटिंग करवा ले इतना बड़ा फैक्ट्री का? पांच साल में एक बार पेंटिंग कराएंगे, इंटीरियर भी करवा लो। सुना रहे, तो पेंटिंग हुआ, वार्निशिंग हुआ, क्या बोल रहा है, फाइव इयर्स में एक बार करोगे चलेगा। फिर बोलते हैं जो इम्परवियस सर्फेसेस होते हैं ना, इम्परवियस सर्फेसेस, क्या बोला मैंने, इम्परवियस सर्फेसेस, क्या क्या इंग्लिश यूज किया ना भाई, माई गॉड। इम्परवियस सर्फेस का मतलब होता है जहां पर ना पानी वगैरह नहीं जाता है, समझ में आ रहा है, वाटर प्रूफ एरियाज होता है। तो इसको कितनी बार हमें ठीक करना चाहिए साल में, पूरे 14 महीने के गैप में एक बार देख लो इसको, इसका क्लीनिंग वगैरह करवा लो 14 महीने के गैप में एक बार। तो ये सब पूरा दिया हुआ है फैसिलिटीज किसके अंदर, क्लीननेस के अंदर। तो जितना हो सके याद रख लेना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आपके अंदर का सुरक्षा या साफ होने का बात नहीं कर रहे, बाहर का बात कर रहे। तो बाहर में क्या हो गया, आपका प्रीमाइसेस फैक्ट्री, जिसको क्या करना है, झाड़ू देना है डेली, पोंछा एक बार दे दो हफ्ता में, फिर उसके बाद पेंटिंग वगैरह 5 साल में एक बार कर दो, वार्निशिंग वगैरह 5 साल में एक बार, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द वॉटर, इम्परवियस सर्फेस को जो है 14 महीने में एक बार आप साफ करवा दो। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, क्लियर है? डस्टिंग क्लीनिंग समझते हो ना? अरे डस्टिंग नहीं करते हो क्या, घर में डस्टिंग करते हो क्या? फर्नीचर वगैरह में धूल जम जाता है तो ऐसे जोर से मम्मी कपड़ा मार मार के करती है ना, दिखाएं क्या डस्टिंग करके, करती है कि नहीं ऐसे बताओ, किया है क्या तुम लोग जाला वाला झाड़ना? तो ये सब क्या हो गया, डस्टिंग। तो ये सब किसके अंदर आ गया बताओ, क्लीननेस के अंदर। किसके अंदर आ गया, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस किस सेक्शन में कवर्ड है, सेक्शन 11। किस सेक्शन में कवर्ड है, सेक्शन 11। चलो क्लीननेस हो गया। अब एक बात बताओ, घर में जो कचरा वचरा जमा होता है, आप जमा करते जाते हो क्या? पूरा घर में एक रूम बना दिया कचरा रूम, जितना भी कचरा है रूम खोलो डाल दो, कि वेस्ट डिस्पोजल करते हो प्रॉपरली? तो फैक्ट्री में भी तो कितना लोग काम कर रहा है, आप इमेजिन करो वहां पे कितने लेबर्स हैं जो ये कूड़ा करकट जनरेट करते होंगे। मैम कैसे, खाते हैं फेंकते हैं, या जो प्रोसेसिंग हो रहा है इनपुट का आउटपुट से, उसी से कितना जो है वेस्ट डिस्पोजल वगैरह आ रहा है। तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना जरूरी है कि नहीं, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए कि नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। क्या बोल रहा है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो यानी वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सेक्शन 11, 12। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम लोग को हम ऐसी जगह पढ़ा रहे जो पूरा वैक्यूम है, पूरा एकदम मतलब वैक्यूम क्या, पूरा रूम जो है ना हर जगह से बंद है, कहीं पे भी पैसेज ऑफ एयर वगैरह नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, पढ़ पाओगे कैसी जगह? ऐसी जगह घुसा कर एकदम दबा कर तुम लोग को एक रूम में बंद करके पढ़ा रहे, पूरा हर जगह से एकदम कोना कोना सील कर दिया, एक बूंद हवा पास होने का जगह नहीं है, दम घुटने लगेगा? हाँ बोलोगे नहीं हम लोग पढ़ लेंगे मैम, आप पढ़ाते ही ऐसा हो, पढ़ लेंगे। एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, तीसरा दिन गाली देना चालू कर दोगे, दम घोट दिया। समझ रहे, वेंटिलेशन होना जरूरी है कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है कि नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, वेंटिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट किसका बात करें, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। मान लो अचानक से तुम लोग को बोल रहे यार कोल्ड वेयर हाउस में पढ़ लेते, आ जाओ ना। कोल्ड वेयर हाउस देखा है, मिली मूवी देखा था ना, रह पाओगे क्या? पूरा आपका जो शरीर है ना नीला पीला काला पड़ जाएगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं? या बोले चलो ना भट्टी में बैठ के पढ़ लेते, भट्टी, भट्टी समझते हो क्या, जहां भयानक वाला हाई टेम्परेचर होता है, 60 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर, चलो ना वहां बैठ के पढ़ाई कर लेते। समझ में आया क्या बोल रहे? तो क्या हो गया, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। क्लियर है क्या यहां तक? अब मान लो धुआं वगैरह निकल रहा है कहीं कहीं से, फैक्ट्री में तो निकलते ही रहता है, तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं, कि जो डस्ट और फ्यूम्स निकल रहा है वो प्रॉपरली वो एक आउटलेट से क्या हो निकल जाए? तो प्रॉपर डस्ट एंड फ्यूमिंग फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, डस्ट एंड फ्यूमिंग फैसिलिटी। क्लियर है? हैव यू हर्ड द वर्ड ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर? अरे इतना ट्रेंडिंग है आजकल, घर में लोग लगाते हैं एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, एयर ह्यूमिडिफायर नहीं होता, बोलते इतना सारा पोल्यूटेंट्स है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना जिस हवा में, दैट इज अनफिट फॉर आवर ब्रीदिंग, सो देयरफॉर वी हैव इंस्टॉल्ड एन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर, और जो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पसीना वगैरह अगर नहीं आएगा तो दिक्कत है ना। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। तो क्या बोल रहे, आर्टिफिशियल
ह्यूमिडिफायर, क्या बोल, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर, ये भी होना चाहिए क्या? हाँ, एसी के बिना काम कर चला लोगे क्या? कोई ऐसा जगह है तो एसी वगैरह होना चाहिए कि नहीं? एयर कंडीशनिंग का प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ ना, आपको ऐसे फैक्ट्री में काम करने में मजा आएगा क्या जहां पर जगह ही नहीं है और एक के ऊपर एक लोग चढ़कर काम कर रहे हैं? तुम इसके गोदी में बैठ के काम कर लोगे क्या? तुम इसके गोदी में बैठ के काम कर लोगे क्या? फिर काम ही नहीं होगा, समझ मारे? ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग, यार जगह दो, स्पेशियस बनाओ, समझ मारे? सब एक दूसरे के ऊपर, इमेजिन करो ना, एक फैक्ट्री, एक लेबर दूसरे माथे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तीसरा लेबर चौथे लेबर के माथे के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि जगह नहीं है खड़े रहने का, तो हम लोग माथे के ऊपर खड़े हैं एक दूसरे के। कोई उधर से गिर रहा है, कोई उधर से लुढ़क रहा है, कोई मशीन के ऊपर जाके गिर जा रहा है, मर जा रहा है, क्या यार? ऐसा इमेजिन करो ना सीन, पॉसिबल है क्या ऐसे एनवायरमेंट में काम करना? धक्का मुक्की हो रहा है, घसकना उधर घसक, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो उधर उसको कोनी मार रहा है, वो उधर उसको कोनी मार रहा है, वो पता चला उसके गोदी में बैठ के काम कर रहा है, फिर काम ही नहीं होगा ना, यही सब होते रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ओवर क्राउडिंग। मतलब ओवर क्राउडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाइट वगैरह बंद करके काम करते हो क्या? लाइट वगैरह बंद कर दो ना, मस्ती आएगा काम करने में। लाइटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाइटनिंग वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पानी पी रही है बच्ची, तो वैसी फैक्ट्री में भी तो हो सकता है ना, वर्कर लोग प्यासे हो जाए, तो ड्रिंकिंग फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ मारे? तुम लोग देखो ना, एसी के नीचे बैठा है, इतना आलीशान जगह है, इतना अच्छा प्रिमाइसेस है, आराम से मस्ती से बैठा हुआ है, खाली सुनना है, कोई मेहनत का भी काम नहीं है, उसमें भी तुम लोग को प्यास लग जाता है, तो फिर तो वो लेबर है, उनको कितना खटनी करना पड़ रहा है, तो उनके लिए पानी वगैरह होना चाहिए कि नहीं? तो ड्रिंकिंग फैसिलिटी होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होना चाहिए बताओ? ड्रिंकिंग फैसिलिटी। तो लाइटनिंग, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, ओवर क्राउडिंग, एसी, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर, डस्ट एंड फ्यूमिंग, वेंटिलेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, क्लीननेस का तो अपना ही एक अलग से पूरा कहानी लिख कर दिया है। इतना दिन में इतना बार झाड़ पोछाई करवाओ, इतना दिन में इतना बार पेंटिंग कराओ, वार्निशिंग कराओ, इम्परवियस सरफेस को जो है ना क्लीन वगैरह करवाओ। अच्छा ये हो गया सब बाहर का क्लीननेस के बारे में, अब ऐसा भी अरेंजमेंट किया रहता है ना जहां आप अपने अंदर का भी गंदगी बाहर निकाल सको। मैम वो कैसे? अब मुझे ये समझाना पड़ेगा वो कैसे? समझ में आया? आप समझ गए ना क्या मतलब हुआ? मतलब मैं आपको भी एक्ट का लाइन मार्क करवाऊंगी, एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ना, बोलने में भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, समझ में आ रहा है? तो वो अरेंजमेंट होना चाहिए, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस, एवरीवन हैज टू डू इट, समझ में आ रहा है? टू मेंटेन योर क्लीननेस, अंदर ही रख के रखोगे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और रखना पॉसिबल भी नहीं है, समझ गए? अरे स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का, मोदी गवर्नमेंट का, समझ गए किसकी तरफ इशारा है? हाँ वॉशरूम्स वगैरह, तो ये लोग वॉशरूम भी तो लिख सकता था, वॉशरूम नहीं लिखा है, आपको भी एग्जाम के पेपर में लिख कर आने क्या लिखा है, ठीक है? लिख कर दिखा दे रहे, लिख देना एग्जाम में, लिख कर दिखा दे रहे, एग्जाम में लिख देना, लास्ट सेक्शन यही है, सेक्शन 19, क्या बोला, 11 से 19 है ना, गेस करो क्या वर्ड है? हाँ बोलो, बोल दिया बच्चा, सारे शर्म के धागे को खोलकर फेंक डाला और बोल डाला, समझ में आ रहा है? लिख लेना एग्जाम में, संभाल लोगे क्या एग्जाम में, लिख लोगे क्या ये सब? ठीक है लिख लेना। तो एक बाहर का साफ सफाई हो गया और आपके अंदर के बॉडी का गंदगी का साफ सफाई, तो उसके लिए ये सब अरेंजमेंट नहीं रहेगा तो भाई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है? तो बोला लाइट होना चाहिए, पीना होना चाहिए, निकलने का फैसिलिटी होना चाहिए, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, वेस्ट डिस्पोजल, ये हो गया किसका डिस्पोजल, जो वहां पे काम वगैरह होता है वो वेस्ट डिस्पोजल, और ये लास्ट वाला हो गया वर्कर का वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है? फिर ड्रिंकिंग, लाइटनिंग, ओवर क्राउडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, फिर एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, याद रहेगा ये सब? सो दिस कंप्लीट्स योर क्या, हेल्थ वाला पार्ट, बताओ याद हो गया? वापस से मेरे को बताओ, ये एक्ट क्यों पास किया गया था? टू प्रमोट द क्या, हेल्थ सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। हेल्थ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसमें क्या क्या सेक्शन था, 11 से लेकर 19 तक, और 19वां सेक्शन क्या था बताओ ना, ठीक है बता दिया, सुन लिया मैंने, क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे किसका, सेफ्टी ऑफ द वर्कर, किसका बात करेंगे, सेफ्टी। अब सेफ्टी में भी ना बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे, तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट याद करेंगे जितना याद हो जाए। अब यहाँ पे सेक्शन 21 से चालू है, कहाँ से चालू है बताओ, सेक्शन 21, जिसमें किसके बारे में बोल रहा है, सेफ्टी। सेक्शन 21 से बहुत सारे सेक्शंस को इन्होंने कवर किया है। सबसे पहला क्या बोल रहा है ना, सेफ्टी का मतलब क्या, कि आपकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। आप कौन हुए, वर्कर,
जो कहाँ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर। आप कौन हुए? वर्कर्स, जो कहाँ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर। तो एक बात बताओ ना, आपको पता है कितने सारे डेंजरस मशीन होते हैं? अगर मान लो वो मशीन ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है ना, और गलती से आपका हाथ लग गया, तो हो सकता है आपको करंट लग जाए, वहीं भस्म हो जाओगे, या फिर हो सकता है कि आपका हाथ कट जाए, खून वून निकल जाए। तो यानी जो मशीनरी है ना, इसको आप केज में बांध करके रख दो, फेंसिंग ऑफ द मशीनरी। जो ये सब मशीनरी है ना, हैजार्डस मशीनरी वगैरह, उसको एक जगह कोने में लॉक करके रखो। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फेंसिंग ऑफ द मशीनरी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फेंसिंग ऑफ द मशीनरी। अरे डर लगा रहेगा ना। अब मशीनरी मान लो तुम जा रहे हो, तुमको पता नहीं है, उसमें फेंसिंग वगैरह नहीं किया हुआ था, खुला पड़ा था, चलते चलते ऐसे हाथ लग गया, वहीं पे ऐसे करके गिर गए, लेट गए वहीं पे। फिर सामने वाला बोल रहा है मिर्गी का दौरा पड़ा है। मिर्गी नहीं है, मशीन को टच कर लिया, बेहोश हो गया, गलती तुम्हारे है ऑक्यूपायर, तुमने मशीन को ठीक से कवर करके नहीं रखा, इसको प्रॉपर क्या करके रखो? फेंसिंग करके रखो। क्या करके रखो? फेंसिंग करके रखो। फिर कितने सारे जो मशीन है ना, दिन रात चलते रहते हैं, मशीन चल रहा है, चल रहा है, मशीन का मोटर ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। तो जहां पे मशीन का मोटर वगैरह घूम रहा है, चल रहा है, वहां पे तुमको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लेबर जो वहां रिलेटेड नहीं है, वहां जाकर अपना हाथ वगैरह नहीं डाल दे, ठीक है? तो वर्क ऑन और नियर द मशीन इन मोशन शुड बी सुपरवाइज्ड। ऐसा थोड़ी है मशीन को खुला चलाकर छोड़ के चले जाओगे। अब समझ लो कोई भी आ रहा है, उसका हाथ कट के मशीन में चला जा रहा है, वो भी गोल गोल घूम जा रहा है और आउटपुट निकल के आ जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जहां पर मशीन के आसपास काम हो रहा है, वहां पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब मान लो कोई बहुत ज्यादा डेंजरस मशीन है, डेंजरस मशीन मतलब थोड़ा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा बटन दब गया ना, तो हालत खराब हो जाएगा लेबर का जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, यंग पर्सन को डेंजरस मशीन में काम देना चाहिए? यंग पर्सन कौन हो गया? एक्ट में डिफाइंड है चाइल्ड और एडोलेसेंट। फिर आप तो बोलोगे भाई चाइल्ड चाइल्ड लेबर हो जाएगा, चाइल्ड से काम करवाओगे, वो तो चाइल्ड लेबर एक्ट डिसाइड करेगा ना। बट मान लो फैक्ट्री में अगर कर रहा है चाइल्ड काम, और वैसे भी यहाँ पे मैंने बोला यंग पीपल जिसमें एडोलेसेंट भी आता है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बताओ मेरे को, प्रोटेक्शन ऑफ क्या? प्रोटेक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्चुअली ऑफ क्या? यंग पर्सन वर्किंग इन द क्या, डेंजरस या फिर हैजार्डस मशीनरी। क्लियर है? या तो आप उनको काम करने मत दो, और अगर काम करवा ही रहे हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग देके करवाओ और किसी के सुपरविजन में करवाओ। अकेले उनको डेंजरस मशीन हैंडल करने दो कि नहीं दो? नहीं दो, याद रहेगा ये सब। क्लियर है? फिर एक बात बताओ, कभी रिवॉल्विंग मशीन देखा है? रिवॉल्विंग मशीन, अरे ऐसे ऐसे करके घूमते रहते ना, ऐसे ऐसे योगा नहीं कर रहे हैं, रिवॉल्विंग मशीन का एक्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे? तो ये सब रिवॉल्विंग मशीन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा क्या? ऐसे ऐसे मशीन रिवॉल्व कर रहे, तुम भी वहां जाके खड़े हो गए, तुम भी ऐसे ऐसे करने लग गए, दोनों का हाथ टकराया, मशीन को तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ को तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो रिवॉल्विंग मशीनरी वगैरह का ध्यान रखना है कि नहीं? तो और एक पॉइंट क्या हो गया बताओ, रिवॉल्विंग मशीनरी। और एक पॉइंट क्या हो गया, रिवॉल्विंग मशीनरी। एक बात बताओ, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होता है, जहां फैक्ट्री है, वहां पे स्टेयर केसेस लिफ्ट्स वगैरह होना चाहिए कि नहीं? कि क्रिश की तरह रोप पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह क्लाइंब कर जाओगे? सीढ़ी वगैरह होना चाहिए ना, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना है तो कैसे जंप करोगे? कराटे वगैरह करके आए हो क्या कहीं से, जुड़ो कराटे या मार्शल आर्ट्स, समझ में आ रहा है? तो लिफ्ट होना चाहिए, स्टेयर केसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बोल रहा है फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, लिफ्ट्स होना चाहिए, स्टेयर्स होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। फिर जो हैवी हैवी मशीन है, मान लो उसको इधर से उठाकर उधर करना है, तो क्या करोगे? बाहुबली हो क्या? आओ मशीन उठा लेते हैं। जैसे बाहुबली ने क्या किया था, समुद्र में ले जाकर क्या कर दिया था, अर्पण कर दिया था ना शिवलिंग को, तो वैसे आप भी बाहुबली हो क्या? आओ मशीन उठा लेते हैं। या हनुमान जी हो क्या, पर्वत की तरह उठाकर मशीन को इधर से उधर ले गए? पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो इसके लिए पुलीज वगैरह सुना है कभी? पुलीज, रोप्स, चेन, मशीन को टान टान के चेन से ले जाओ, रोप, पुलीज, चेन, ये सब का फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, अब मान लो कि कोई ऑक्यूपायर जो ना बहुत बदमाश है, लेबर के पीछे पड़ गया, वर्कर के पीछे पड़ गया, बोल रहा है ये भारी मशीन उठा के लेके जाओ, अपने कंधों पे उठा के लेके जाओ, पॉसिबल है क्या? वो आदमी तो मर जाएगा ना, भले ही उस समय उठा लिया, बाद में हार्ट अटैक आ जाएगा रात में, इतना भारी मशीन उठाएगा तो, समझ रहे हो? तो ये सब फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फिर उसके बाद कितनी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है ना, फैक्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो कि अगर आपके आंख में चल जाए ना, यू कैन ऑल्सो लूज योर विजन, आपका साइट वगैरह चला जा सकता है। तो आपके आईज का क्या करना चाहिए उनको? प्रोटेक्शन। आप कौन हुए? वर्कर। स्टूडेंट नहीं हो अभी, आप कौन हो? वर्कर। इमेजिन करो अपने आपको, आप फैक्ट्री में काम करो, आप वर्कर हो, तो क्या पहन कर करोगे? गॉगल्स, ग्लेयर्स, गॉगल्स वगैरह टान लेना। एक्टिंग नहीं करने बोल रहा है, काम करने बोल रहा है। तो मैम गॉगल्स क्यों लगा रहे? प्रोटेक्शन के लिए आंख का। सनग्लासेस वगैरह बोलते लगा के रखो। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ क्या? प्रोटेक्शन ऑफ आईज ऑफ द वर्कर। प्रोटेक्शन ऑफ आईज ऑफ द वर्कर, याद रहेगा ये सब।
तो आईज का, आंखों का प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा केमिकल, धूल, मट्टी उड़ता रहता है। तो आंखों में चश्मा लगा के रखिए, समझ में आ रहा है? काला चश्मा जजता वे, इमेजिन करो लेबर लोग सब काला चश्मा पहन के डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, यही सब चलता होगा आजकल, समझ में आ रहा है? फैक्ट्री के अंदर वो एक गाना आया था ना कटरीना कैफ का, तेनु काला चश्मा जजता वे, जजता तेरे गोरे मुखड़े पे, ऐसे करके कुछ है, मेरे को लिरिक्स वगैरह याद नहीं रहता। समझ में आया क्या बोला? तो आईज वगैरह प्रोटेक्ट करके रखना है क्या वर्कर्स का? हाँ, इसके लिए उनको क्या बोला? सनग्लासेस वगैरह पहन के रखो। तो वापस से मेरे को बोलो क्या क्या बोला? मशीन को पिंजरा में बांध करके रखो, फिर उसके बाद जो मशीन से मोशन है सुपरवाइज करो, फिर उसके बाद क्या बोला? यंग पर्सन को अलाउ मत करो डेंजरस मशीन में काम करने से, रिवॉल्विंग मशीनरी का ध्यान रखो, लिफ्ट स्टेयर केसेस का फैसिलिटी दो, पुली रोप्स चेन्स, प्रोटेक्शन ऑफ आईज ऑफ द वर्कर। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? याद रहेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो चाइल्ड है और जो विमेन है ना, उन लोग को बोल रहा है कॉटन ओपनर्स में काम करने नहीं देना चाहिए। डिटेल में करेंगे आगे, कहां पे काम करने नहीं देना चाहिए? कॉटन ओपनर्स। अच्छा, एक चीज और मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे ओवरक्राउडिंग बोला है ना, तो बोला ओवरक्राउडिंग में ये भी बता दिया गया है कि एक कितना क्यूबिक मीटर एरिया अलाउ किया जाएगा। समझ में, कितना क्यूबिक मीटर एरिया अलाउ किया जाएगा एक वर्कर को, विच इज समवेयर अराउंड आई थिंक 14.2 क्यूबिक मीटर एरिया, उतना एरिया, उतना वर्क स्पेस एक एक लेबर को आपको देना पड़ेगा, ये भी दिया हुआ है आपके बुक्स में। समझ में आ रहे हैं? तो हम लोग लर्न कर लेंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं यहां तक? तो हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, हेल्थ हो गया और क्या हो गया बताओ? सेफ्टी। लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे कमेंट करके बताइए सब समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट कमेंट मी एंड टेल मी एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और नॉट क्लियर, सब कुछ क्लियर है क्या यहां तक? वेरी गुड। चलो अब हम लोग क्या चीज का बात करेंगे, ध्यान से सुनना, और क्या बच गया एक? तो वेलफेयर। अरे वेलफेयर में तो इन लोग कोई शर्म लाज कुछ नहीं छोड़ा है, इतना ज्यादा वेलफेयर मेजर कर रहे हैं ना, मेंटेन कर रहे हैं लेबर का, मतलब सब सारे फैसिलिटी दे रहे हैं लेबर को, बोल रहे हैं आइए हमारे यहाँ नहाइए, कपड़ा धोइए, कपड़ा सुखाइए, कपड़ा पहनिए, कपड़ा खोलिए, सब फैसिलिटी दे रहे हैं लेबर लोग को। वहीं पर अगर लेबर रह रहे हैं तो कपड़ा धोने का, सुखाने का, आराम विश्राम करने का, खाने का, ये सब फैसिलिटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो बोल रहा इससे वेलफेयर मेंटेन होगा, किसका? वर्कर्स लोग का, लेबर्स लोग का। तो वेलफेयर में क्या क्या बोल रहा है सुनो ना, सबसे पहले बोल रहा है वॉशिंग फैसिलिटी। अरे कपड़ा धोने का तुम क्या वॉशिंग फैसिलिटी सोचा, क्या वॉश करेगा? ठीक है, तो बोल रहा है क्या? वॉशिंग फैसिलिटी, पहला पॉइंट बोलो ना क्या बोल रहे हैं। अच्छा, शर्माओ मत, खुल के हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में, अपना ही क्लास है। बोलो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? वॉशिंग फैसिलिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? वॉशिंग फैसिलिटी। अच्छा खासा वॉशिंग फैसिलिटी दीजिए, आराम से हम लोग यहाँ बैठकर अपना कपड़ा धोएं, काम कब करेंगे पता नहीं, कपड़ा धोते रहेंगे। फिर बोल रहे अच्छा कपड़ा धो लिया ना, अब सुखाने का भी दो फैसिलिटी, कहाँ सुखाएंगे, मशीन के ऊपर क्या जाकर? तो ड्राइंग फैसिलिटी दो, ड्रायर वगैरह लगाओ, और नहीं तो वो रस्सी वगैरह टंगा दो जहाँ कपड़ा जाकर हम सुखा सके। हम कौन है लेबर, हम कौन है वर्कर, वो लाचार वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लाचार नहीं है भाई, इतना सुविधा मिल रहा है उनको, समझ में आ रहा है? प्लस इसके अलग से रेमुनरेशन अलग, वेजेस अलग। तो ड्राइंग फैसिलिटी देना है कि नहीं देना है? देना है। कपड़ा धो लिए, अब सुखा लिए, अब यार बहुत टायर्ड हो गए, धो के सुखा लिए, अब थोड़ा देर बैठ जाएं क्या? तो सिटिंग अरेंजमेंट दीजिए भाई, मशीन के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं क्या, कि पुलिस के ऊपर बैठ जाएं, कि लिफ्ट के ऊपर बैठ जाएं, कहां पे बैठे, कि सीढ़ी के ऊपर बैठ जाएं? नहीं, हम भी लेबर है, हमारा भी कोई इज्जत है, वर्कर है, हमें सिटिंग फैसिलिटी दीजिए। तो क्या बोल रहा है? सिटिंग फैसिलिटी। क्या देना चाहिए? सिटिंग फैसिलिटी। चलो सिटिंग फैसिलिटी भी दे दिया यार, ठीक है सिटिंग फैसिलिटी वगैरह ठीक है, लेकिन अब ना यार कमर वगैरह अकड़ गया है, सुबह से काम कर रहे थे, फिर कपड़ा धोए सुखाए, बैठ भी गए, बैठते बैठते पूरा कमर में यार दर्द आ गया, पीछे में चनक आ रहा है यार कमर में, सोने का भी तो जगह दो, शेल्टर रूम वगैरह दो हमें। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सोने का जगह, शेल्टर रूम। और क्या देना चाहिए? शेल्टर रूम। फिर क्या बोल रहा है? शेल्टर रूम दो ना हमें, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। ठीक है, शेल्टर रूम भी आपको दे दिया जाएगा। यार नींद तो बड़ा मजा से पूरा हो गया यार, अब थोड़ा भूख लग रहा है मेरे को, खाना वगैरह थोड़ी हम बनाएंगे, कैंटीन वगैरह रख के रखो, तो कैंटीन फैसिलिटी देना चाहिए कि नहीं? तो मतलब और क्या करेगा एक वर्कर के लिए? तो बोल रहा है वर्कर के लिए कैंटीन फैसिलिटी भी होना चाहिए, समझ रहे हो आप? तो वर्कर के लिए क्या बोल दिया? कैंटीन फैसिलिटी। खाना जी यार बहुत खा लिया, पेट वगैरह दुख रहा है मेरा, पुदीन हरा है क्या, कोई मेडिसिन वगैरह है क्या, डेकोलिक वगैरह दे दो ना, जिससे पेट दर्द ठीक हो जाए, पेट में दर्द हो रहा है, क्या करे बताइए ना? फर्स्ट एड, फर्स्ट एड सर्विस रखिए हमारे लिए। क्या बोल रहे हैं? और क्या सर्विस देना होगा? फर्स्ट एड। और क्या देना होगा बताओ? फर्स्ट एड। ठीक है, तो ये कितने सर्विसेज मैंने आपको बोले किसके अंडर कवर्ड है? वेलफेयर, धोना, सुखाना, बैठना, सोना, खाना, और पेट दर्द हो रहा है उसका हल निकालना फर्स्ट एड प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। अब इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं? क्रेचेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रेचेज? एनी आइडिया? क्रेचेज किसको बोलते हैं?
बताओ ना, क्रेचेस किसको बोलते हैं? नहीं पता, इट्स एन इंग्लिश वर्ड, क्रेचेस। हाँ वेरी गुड, बेबीज को, बेबीज का पालना वगैरह जो होता है ना, एक रूम होता है जहां पे बच्चों को जो है सुविधा दे, तो यानी अभी लोग बच्चा भी करेगा यहाँ बैठ के? अरे नहीं, जिसका बच्चा हो रखा है ना, अरे विमेन एम्प्लॉय भी तो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, देर आर विमेन एम्प्लॉयज ना वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुन मारे, वर्कर्स अगर क्या है, फीमेल वर्कर, विमेन एम्प्लॉय है, तो मान लो विमेन एम्प्लॉय को तो काम करने देना ही है ना, तो वहां पे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बोल रहे आप अपने बच्चों को ले आइए और बच्चों को यहाँ पे कुटिया में बांध दीजिए, क्रेचेज में रख दीजिए। समझ में, उन लोग अपना आराम करेंगे और आप अपना काम करिएगा। समझ में आया? दिस माउस इज नॉट वर्किंग। अच्छा, इट इज वर्किंग नाउ। ठीक है ठीक है, तुम्हारे आते ही ठीक हो गया, वेरी गुड। चलो बताओ क्लियर है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला बताओ ना, क्रेचेस, क्रेचेस का मतलब क्या बोला? हाँ, बेबी सिटिंग का जगह होना चाहिए। फिर ऐसे तो वुमेन लोग बोलेगी ठीक है मेरा 10 साल का बेटा है, हम उसको ले आएंगे। एक बच्चा बोलेगा 15 साल का बच्चा है, 18 साल का भी बच्चा है मेरा, उसको भी ले आते हैं, पिकनिक करेंगे आज मिलकर। एक एज लिमिट स्पेसिफाई किया गया है, खाली कितने बच्चे को लाया जा सकता है, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? तो वापस से मेरे को बोलो, एक अलग से क्रेचेज वाला रूम होना चाहिए। लेकिन अब मान लो एक ही आपके पास ऐसी फीमेल वर्कर है जिसका बच्चा 6 साल से छोटा है, तो नहीं चलेगा। फीमेल वर्कर्स कितने होने चाहिए? ग्रेटर देन 30 एम्प्लॉयज। 30 अगर फीमेल वर्कर्स है, सुना रहे, तब क्रेचेस वगैरह का फैसिलिटी किया जाएगा। मोर देन 30 विमेन वर्कर्स आर देयर इन अ फैक्ट्री, मोर देन 30 विमेन वर्कर्स आर देयर इन अ फैक्ट्री, देन क्रेचेस वगैरह का फैसिलिटी विल बी अरेंज्ड। शेल्टर रूम सबको रखना जरूरी नहीं है। कब रखना है? अगर फैक्ट्री में मोर देन 150 एम्प्लॉयज होंगे। फैक्ट्री में कितने ज्यादा वर्कर्स होंगे? मोर देन 150 वर्कर। कैंटीन सब समय रखना जरूरी नहीं है, मोर देन 100 प्लस करो 250 वर्कर। फर्स्ट एड हर समय रखना जरूरी नहीं है, इसका डबल कर दो, मोर देन 500 वर्कर्स। तो लिमिट याद रखना होगा। शेल्टर रूम कब अलाउड है बोलो? मोर देन 150 वर्कर। कैंटीन फैसिलिटी मोर देन 250। फर्स्ट एड मोर देन 500। क्रेचेस मोर देन फीमेल वर्कर्स ऑफ क्या? 30। एंड ऑल्सो दे शुड बी अलाउड टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट। बताओ याद हो गया क्या? तो वर्कर लोग को भी आपको लगता है पता होगा कि उनको इतना सारा सुविधा दिया जा रहा है, वर्कर्स लोग को भी पता होगा क्या इतने सारे फैसिलिटी के बारे में? तो वापस से मेरे को बताओ, ये एक्ट को पास किया गया क्या इंश्योर करने के लिए? टू इंश्योर द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द नंबर वन हेल्थ, नंबर टू सेफ्टी, नंबर थ्री वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, वर्किंग इन द फैक्ट्री। क्लियर है? अब ये जो सारे सेक्शंस है ना, मोस्टली 40s के सेक्शन है, 40, 41, 45, 48, जैसे लास्ट क्रेचेस वाला 48 है। अगेन एक एक सेक्शन याद करना पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं। एक बार हम लोग पूरा ना अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या मैंने आपको बोला, बताओ ना, स्टार्टिंग से डिस्कस करते हो। सबसे पहले क्या बोला? हेल्थ, हेल्थ के अंदर क्लीननेस बोला, क्लीननेस के अंदर भी मैंने आपको कितनी सारी पॉइंट्स बताई थी, याद है? बोलोगे क्या क्या बोला था? डस्टिंग रेगुलरली, मॉपिंग ऑफ द फ्लोर वंस इन अ वीक, और क्या बोला था बताओ? प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द फ्लोर इफ द वॉटर गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट क्या बोला था? पेंटिंग, वार्निशिंग और इम्परवियस सर्विसेज का मेंटेनेंस, याद रहेगा ये सब? क्लीननेस हो गया, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूमिंग, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग, लाइटनिंग, ड्रिंकिंग एंड वॉटर, ठीक है, समझ गए? आपके अंदर की स्वच्छता, क्लियर। फिर उसके बाद सेफ्टी का बात कर रहे हैं, सेफ्टी में क्या बोल रहे हैं? फेंसिंग ऑफ द मशीनरी, वर्क ऑन और नियर द क्या मशीनरी इन मोशन, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्या बोला था? यंग पर्सन ऑन द डेंजरस मशीन। फिर स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, अचानक से अगर पावर का ज्यादा फ्लो हो जाए तो कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिससे हम पावर को कट ऑफ कर सके, सेल्फ एक्टिंग मशीन। फिर उसके बाद बोल रहे हैं पिट्स वगैरह होना चाहिए, ओपनिंग इन फ्लोर। अच्छा, इस यहाँ पे ना हेल्थ में और एक चीज बोला है, स्पिटून्स भी होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिटून? स्पिट का मतलब समझते हो? स्पिट। अब क्यों पता स्पिटून्स रखा है? लेबर क्लास लोग हैं, दिन भर क्या करते हैं, फिर थूक, समझ में आ रहा है? देखते हो ना लोग ऐसे ऐसे करते हैं, फिर निकाला। ज्यादा डिटेल में मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं थोड़ी खाती हूं, हाँ बट देखा है लोगों को करते रहते ना दिन भर, तो उन लोग यही करता है, फिर खा के इधर उधर थूका था कि चालू कर देगा। तो उसके लिए स्पिटून बना रखा है, स्पिटून का प्रोविजन होना चाहिए कि स्पिटून में जाकर वो लोग अपना कार्यक्रम करे थूकने का, और दिन में 50 बार थूकते होंगे, किसी को पान खाने का आदत है, पीक दान, समझ रहे हो? तो स्पिटून्स भी होना चाहिए।
अच्छा ये भी खुलकर बोला है कि ये कितना होना चाहिए, आगे बताएंगे। एक सीट होना चाहिए 20 वर्कर के लिए, 20 वर्कर्स को एक शेयर करने का मौका मिलेगा कॉमन सीट। अब बोला है यार, हम अपने मर्जी से थोड़ी बता रहे हैं, अभी दिखा देंगे, एक्ट में लिखा हुआ है, क्लियर है। सेफ्टी में क्या क्या पढ़ा, फेंसिंग ऑफ द मशीनरी, ये सब तो हो गया ना, सॉरी। प्रोटेक्शन ऑफ आईज बोला, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स वगैरह, रिवॉल्विंग मशीनरी, स्टेयर केसेस, ठीक है। वेलफेयर में क्या बोला है, वॉशिंग 42, देख लो 42 से चालू है, ड्राइंग 43, सिटिंग 44, फर्स्ट एड 45, कैंटीन शेल्टर। मैंने उल्टा वे में बताया क्यों, क्योंकि 150, 250, 500, बट सेक्शन वाइज क्या है, फर्स्ट एड पहले, फिर कैंटीन, फिर शेल्टर। हम लोगों ने रिलेट करके पढ़ा ना भाई, इतना काम करके थक गया, अब आराम करेगा, फिर सोएगा, फिर भूख लगेगा, खाएगा, ज्यादा खा लिया तो दवा खाएगा, तो ऐसे याद रहेगा। फिर बोला क्रेचेस, क्रेचेस में क्या बोला, मोर देन 30 वुमेन वर्कर फॉर चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, याद रहेगा ये सब। ये एक बार लिख लो, और इसका डिटेल्ड वर्जन भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। एक बार इसका ना डिटेल्ड में देखते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में, एक्ट में डिटेल्ड वर्जन में क्या लिखा है, जिसके लिए खूबसूरत सा पीपीटी आपके लिए हाजिर है। हाँ, आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि लेबर्स लोग काम कैसे करता है, ठीक है, दिखाएंगे, बट बिफोर दैट एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखो क्लीननेस कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 11। क्लीननेस के अंदर याद है हम लोगों ने कितना सारा पॉइंट्स पढ़ा था, डस्टिंग कब करना है डेली, फ्लोर वॉश क्या बोला है, हफ्ते में एक बार, वेट फ्लोर के लिए क्या बोला है, प्रॉपर ड्रेनेज, पेंट क्या बोला है, 5 ईयर्स में एक बार, वार्निश भी क्या बोला है, 1 से 5 ईयर्स, इंपरवियस सर्विसेज के लिए क्या बोला था, 1 से 14 मंथ्स, एनी अदर केस ऑल्सो 1 से 14 मंथ्स, याद हो गया। अब बोल रहे जो वॉशेबल वॉटर पेंट होता है ना, जो वॉशेबल पेंट होता है वो जो हट जाता है, गीला कपड़ा हटाओगे लगाओगे तो हट जा रहा है, तो पेंट तो जल्दी से हट जाएगा ना, तो बोल रहे एक कोटिंग करवा लो 3 साल में एक बार, और 6 महीने एक बार वॉश करवा लेना, याद हुआ ये सब। ये तो भी एक ही पॉइंट हुआ हेल्थ का, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, क्लीननेस के बाद, हाँ वेरी गुड, वेस्ट डिस्पोजल था ना, तो देखो वेस्ट डिस्पोजल बोल रहा है, वेंटिलेशन बोल रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ना तो हाई होना चाहिए ना तो लो होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम के लिए एग्जॉस्ट वगैरह लगाना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन नहीं सुने हो क्या, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, देख रहे हो सेक्शन इज कंटिन्यूइंग, 12, 13, 14, 15, वी स्टार्टेड विद सेक्शन 11, ओवर क्राउडिंग, याद है मैंने आपको बोला था 14.2 मीटर क्यूब बोला था ना, नहीं बोला था, अरे कि एक वर्कर को कितना स्पेस देना है, 14.2 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब मतलब क्या, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर कैसे निकलता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूबिक मीटर स्पेस पर वर्कर, स्पेस मोर देन 4.2 मीटर विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, लाइटनिंग, इतना डिटेल नहीं याद रखना, बस 14.2 अगर याद हो तो अच्छा है, लाइटनिंग वगैरह होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर बोला था, फिर ये देख लो, और याद है बोला था एक सीट कितने वर्कर के लिए, 20 बोला था ना मैंने आपको, जो बैठने का जगह होता है ना, 20 वर्कर को एक ठो देंगे, समझ में आ रहा है। और जो ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन है ना, सोचो वहां पे ये सब करो, वहीं पे पानी लगा दियो, पानी पीने का इच्छा करेगा क्या, तो बोल रहे पानी का अरेंजमेंट 6 मीटर अवे करो फ्रॉम दैट प्लेस वेयर योर स्वच्छता अरेंजमेंट इज सिचुएटेड, ठीक है। ऑब्वियसली मेल और फीमेल वर्कर के लिए सब सेपरेट होता है कि नहीं, टॉयलेट्स वगैरह सेपरेट ही तो होता है, डिटर्जेंट से धो धोकर रगड़ना 7 दिन में एक बार, क्या चीज को, वॉशरूम्स वगैरह को, ठीक है। अब एग्जाम में वॉशरूम मत लिखना, जो लिखा है वही लिख कर आना यहाँ पे, समझ में आया क्या बोला। अब सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, हेल्थ होगी, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेफ्टी, सेफ्टी के लिए क्या बोला था, फेंसिंग बोला था मशीनरी का, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, क्या बोला था, ट्रेनिंग होना चाहिए और अंडर क्या होना चाहिए, सुपरविजन, गियर वगैरह स्ट्राइक करना, सेल्फ एक्टिंग मशीन, ओपनिंग इन फ्लोर्स, एक्सेसिव वेट्स के लिए मैंने क्या बोला था, पुली लीवर ये सब होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, गॉगल्स वगैरह, देखो लिखा हुआ है, मैंने नहीं बोला अपने मर्जी से, काला चश्मा पहनने लिखा हुआ है, काला चश्मा पहनना एक्ट में लिखा है, गॉगल्स दो, काला चश्मा दो लेबर को प्रोटेक्शन के लिए, डेंजरस फ्यूम्स वगैरह, प्रिकॉशन अगेंस्ट द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, फिर उसके बाद बहुत सारा है, इतना सारा नहीं याद रखना है, जितना मैंने लिखवाया याद कर लेना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैंने बोला था ना नियर कॉटन ओपनर्स बोला था ना, वही है, लिफ्ट्स होना चाहिए, लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप, रिवॉल्विंग मशीनरी, फ्लोर, स्टेयर केसेस, प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, आग लग गया तो उसका भी पहले से आप अरेंजमेंट करके रखो, फायर एक्सटिंग्विशर ये सब रख के रखना है, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं यहां तक। और वेलफेयर तो मैंने अच्छे से आपको पढ़ा ही दिया है। अच्छा अब एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ना वर्कर्स लोग काम करता है फैक्ट्री के अंदर,
एक बार देखो हाउ द वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट। पूरा यहां तक याद हो गया कि अच्छे से चेक करना यूट्यूब वाले बच्चे आवाज आ रहे कि नहीं। बताओ आज जितना भी पढ़ाया लर्न हुआ कि नहीं, सब कुछ अच्छे से याद हो गया? वेरी गुड। वीडियो दिखाना है, आवाज वगैरह आएगा ना, एक बार यूट्यूब में आप चेक कर लीजिए। एंड व्हाट अबाउट द इसको देखो एक बार, इट्स नॉट प्लेड। अच्छा हो गया, रुको। अच्छा लैंग्वेज पे मत जाना, ये उड़ीसा का एक फैक्ट्री है तो उड़िया भाषा यूज किया गया है। भूषण पावर एंड स्टील, कैसे लेबर लोग काम करता है दिखा रहा है। आई कार्ड वगैरह चेक हो रहा है। स्पीड लिमिट इनसाइड द फैक्ट्री गेट इज मेजर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। बोर्ड लगा रहेगा हर जगह जहां डेंजर है। फेंसिंग ऑफ मशीनरी वगैरह बोला था ना, देखो चेन वगैरह, यूज ऑफ चेन्स, हेलमेट पहन रखा है, सेफ्टी मेजर। पुली देखा, पुली ट्रक को उठाने के लिए। कितना डस्ट वगैरह निकल रहा है। देख रहे हो कितना कितना डेंजरस मशीन है। मशीन इन मोशन, ग्लव्स वगैरह देख रहे हो सेफ्टी के लिए पहन रखा है। फायर वगैरह के लिए सेफ्टी मेजर्स, आग लग गया या कुछ, देखो एप्रॉन पहन रखा है अलग सा। गैस क्लीनिंग, पॉइजनस गैस रिलीजिंग, ड्रिंकिंग फैसिलिटी था वहां। इमरजेंसी स्विच वगैरह, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड बोला था ना।
डायरेक्टर पार्टनर वर्ड सुना, फायर ब्रिगेड ये सबसे भी कॉन्ट्रैक्ट करके रखो, एम्बुलेंस से। ठीक है, तो पूरा फैक्ट्री देखा, ऐसा होता है फैक्ट्री, देखा ना कितना यहाँ पे डेंजर्स वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स लेना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी। ठीक है, तो एक बार फटाफट लिख लो इसको, कंप्लीट इट वेरी क्विकली। ऑल राइट, एग्जैक्ट जो मैंने नंबर्स बताया था ना, 20 persons कैन यूज वन सीट, या फिर 14.2 क्यूबिक मीटर का ओवरक्राउडिंग का स्पेस, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी वो वाला नोट्स। ठीक है, शॉर्ट में जो भी मैंने आपको बताया मेन मेन पॉइंट्स वो लिख लो फटाफट। हेल्थ, हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है लिखो वेरी क्विकली, 5 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, फटाफट लिख के नक्की करो। यस रोहन, यशस्वी, शुभानशी, तुषार, नरेंद्र, दीक्षा, रोशी, सब कुछ क्लियर है कि नहीं बताइए? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और नॉट गाइस? अब क्लीननेस के अंदर याद है कितना सारा पॉइंट्स था, तो ये आपका ड्यूटी है, आप क्लीननेस के अंदर यहाँ एरोस टानोगे और घर में खुद से लिख कर आओगे, 5-6 पॉइंट्स था। ठीक है, बिना देखे खुद से लिखना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी जहां प्रॉपर चार्ट है, फिर आपको करना है। क्या आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है क्या? ठीक है, हम लोग, मैं बता दूंगी आफ्टर द सेशन। क्लीननेस लिख दिया, वेस्ट डिस्पोजल, वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम। थैंक यू सो मच यशस्वी, इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, आप लोगों का प्यार और फीडबैक ही जो है हमें मोटिवेट करता है, सो दैट इज वाई वी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग यू डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो हाउ वॉज अ लेक्चर। तो आज के सेशन के बाद पक्का से बताना कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके कि आज का लेक्चर कैसा लगा। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन लिख लिया क्या? ओवर क्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग में वाला पॉइंट लिख लेना, 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस वाला। लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड द लास्ट पॉइंट। सेवन एट नाइन डन एवरीवन? एनी स्लो राइटर इन द क्लास? लास्ट बेंच, इज इट डन? ऑल द 9 पॉइंट्स वेरी क्विकली। सेफ्टी लिखो सेक्शन 21 से, सेफ्टी। फेंसिंग ऑफ द मशीनरी, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, employment of young person on dangerous machine, पहला 2 पॉइंट हो गया। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर,
self acting machines, ओपनिंग इन फ्लोर्स, पिट्स, पिट्स वगैरह होना चाहिए ना. अगर पिट्स वगैरह है, गड्ढा वगैरह है, तो ध्यान रखो उसका, उसको बंद करके रखो, खोल के नहीं रखना है. पता चला लेबर काम करते करते गड्ढा में गिर गया, कोई नया मशीन आया तो उसका प्रॉपरली उसको केस करके रखो, केस बना के, ताकि गंदगी वगैरह ना हो मशीन में. केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी. ऐसे एक्सेसिव वेट्स के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखो, लीवर सिस्टम, पुली सिस्टम, वही ओपनिंग्स वगैरह. वेरी क्विकली गाइज, राइट डाउन. कोई छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, ठीक है. हो गया. वेलफेयर लिखो फटाफट. वॉशिंग फैसिलिटी, धोना, सुखाना, बैठना, सोना, खाना पीना, पेट में दर्द हो रहा है दवाई ले लेना, और बच्चा वगैरह उसको भी ले आना, क्रेचेज है उसके लिए, लूला भी सुना देंगे फैक्ट्री के ऑक्यूपायर. सीरियसली मत ले लेना, ऑक्यूपायर लोग क्या उसको लूला भी लोरी सुनाएगा क्या बैठकर? हाँ, बट अरेंजमेंट कर दिए हैं ताकि आप काम कर सको. बड़ा बच्चा मत उठाकर ले आना. कितने साल तक का? अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज. कपड़ा धो लिया फिर सुखा लिया क्या? जल्दी धो और सुखाओ, जल्दी जल्दी. वॉशिंग डन, ड्राइंग डन, चलो बैठ जाओ. फर्स्ट एड क्या बोला? मोर देन 500 वर्कर्स. ये ग्रेटर देन 500 मतलब क्या? सब फैक्ट्री को फर्स्ट एड का दरकार नहीं है. जहां पे वर्कर्स के नंबर कितने हैं? मोर देन 500 वर्कर्स है ना, मोर देन 250 वर्कर्स कैंटीन्स और शेल्टर रूम में, मोर देन 150 वर्कर्स क्रेचेस, 30 विमेन वर्कर्स फॉर चाइल्ड अंडर द एज ऑफ क्या? 6 ईयर्स. Is it done till here, kya guys? Are we through with this? Very good.